हेलो भाई दोस्तों बुजुर्गों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है मेरे नए चैनल में जिसका नाम है शार्क फिशरीज। और हम इसमें दिखाएंगे जितने भी तरह के पेट आप पाल सकते हैं उसके केयर के बारे में। तो पहले मेरा जो किया हुआ है वो देख लीजिए। ये है मेरा चिगलेट फिश टैंक जिसको मैंने बनाया है थर्मोकोल के बॉक्स से और सीमेंट की सहायता से, जिसका बजट बहुत ही कम पड़ा है दोस्तों। क्या बताएं, बहुत ही कम पड़ा है, सस्ता पड़ा है। और एक मैंने यहाँ पे सैम भी डाले हैं जो कि फिल्ट्रेशन के लिए ज़रूरी होता है। तो ऐसे ही कुछ मज़ेदार वीडियो देखने को मिलेगा मेरे चैनल पर, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो मेरा फुल सेटअप दिखा देते हैं कि मेरे पास पहले से कौन कौन से चीज़ है। और इसके बाद में भी अगर गर्मी आ जाएगी तो उस टाइम में भी बहुत सारा फिशेस और मतलब बहुत सारा बढ़ जाएगा, टैंक भी बढ़ जाएगा बहुत सारा। तो देखते हैं क्या क्या होता है। जुड़े रहने के लिए शुक्रिया दोस्तों। तो ये है मेरा फिश टैंक जो कि है जंबो साइज का शार्क है, यहाँ पर देख सकते हैं दो। और ये दो जो है छोटा छोटा इसका बच्चे की तरह लग रहा है, इसलिए मैंने इसको लेके आया है कूल डाउन मेरे को ये दिया है। उसके टैंक थोड़ा छोटा हो रहा था, इसके लिए बहुत जम वगैरह मारता है ये फिश, इसीलिए हमने इसको बड़े टैंक में रखा है। आप देख सकते हो इसको भी मैंने बनाया है, वो वही सेम थर्मोकोल का बॉक्स है और सीमेंट की सहायता से। और एक यहाँ पे मैंने सैम पे डाला हुआ है जो फिल्ट्रेशन के लिए ज़रूरी होता है। देख सकते हैं यहाँ से आउटपुट जा रहा है पानी का और यहाँ से इनपुट आ रहा है। इसके अलावा और एक टैंक है मेरा, वो देख लीजिए। यहाँ पे छोटा साइज का सब मॉन्स्टर यहाँ पे देख सकते हैं। एक पाकू है, एक रेड टेल कैटफिश है और इधर एक एलिगेटर गार और एक नाइफ कहीं छुपा हुआ है और एक सकर फिश भी यहाँ पे है जिसको मैंने पहली बार बनाया था वो भी ग्लासों से। और ऊपर का जो दिख रहा है ये 200-300 रुपये का पड़ा है शायद। फीमेल फ्लावर हॉर्न है और ये इसका जो पैटर्न है वो बहुत अच्छा है। और ये मेरी सबसे प्यारी फिश है क्योंकि इसमें इसका जो पैटर्न है वो हमारे अरबिक वर्ड अल्लाह से मिलता है। देख पूछ की तरफ उसका है, अल्लाह जैसा लिखा हुआ है कुछ। तो मैंने बैक पिक खींचा था तो उसके बाद जो एडिट वगैरह किया तो वहाँ पे देखा कि ऐसा पैटर्न बना हुआ है। फ्लावर वन लेडी फ्लावर वन में भी ये शायद कॉमन है कि कुछ भी अरबिक का कुछ मिल जाएगा आपको देखने में। तो मैं पिक्चर भी डाल दूंगा कि देख लीजिएगा जो कैसा पैटर्न है। अभी तो समझ में आया कि नहीं मुझे पता नहीं। और कुछ दिन के बाद थोड़ा कैमरा भी डेवलप करेंगे हम, तो देखते हैं आपका प्यार और भरोसा कैसा मिलता है।